लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये फार्मूला लिखो तुम लोग। फोर प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जीरो नहीं बे सिक्स। ए मेरे साथ नाटक मत कर, मुझे पागल बना रहा है क्या? मैंने पेज नंबर देख लिया। पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी तुम लोग अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। अगर ऐसे मस्ती करोगे तो किसी दुकान में इडली सांभर की चटनी परोसोगे। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, समझ गए? अब ध्यान दो इधर। ठीक है, अब मैं हार मानता हूँ, चल तेरी बारी। कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसकी बात मान लेते हैं, वरना लाइफ में कुछ भी नहीं बनेंगे। अबे पागल, अगर इसने ठीक से पढ़ाई की होती तो ये डॉक्टर या इंजीनियर होता। ये खुद बेवकूफ है, इसीलिए तो यहाँ टीचर है। अगर इसे जॉब मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? सही बोल रहा है। साहब जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। छठी क्लास का सी डिवीजन कहाँ है? यही है। ये मेरा पोता है, इसने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है, तो इसे भी बिठा लीजिए। अंदर आ जाओ बेटा। जाओ जाओ। हमारे पास पागलों की कमी थी क्या, जो एक और आ गया? अबे देखना हो कितना दुखी लग रहा है, उसको जाने दे। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जाइए, मैं देखता हूँ। 2a plus 2b whole square equal to 4a square plus 12ab plus 9b square। शहर की जिंदगी, शहर की जिंदगी, गांव की जिंदगी से अलग होती है। रस्सी बार बार घिसने से पत्थर पर दरार पड़ जाता है, तो इंसान की मेहनत भी कभी बेकार नहीं जाती। क्या लाया बे? इडली लाया क्या? तू क्या लाया है? दही राइस है, मेरा और खाने का मन कर रहा है। ऐसा है तो तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, तू जाकर टीचर का लंच बॉक्स चोरी कर ले। अबे वो ले लें क्या? तू खा क्यों नहीं रहा है? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं चाहिए क्या? ले लेते हैं ना। अरे यार, आज शाम को मैं तेरे साथ खेलने नहीं आ सकता। क्या हो गया? कल मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मुझे चॉकलेट लेनी है और ड्रेस भी खरीदनी। अच्छा, है सुनना, एक ग्लास चॉकलेट खरीदना। अरे वो बहुत महंगा है यार, मेरे पापा नहीं खरीदेंगे, वो तो सस्ती वाले ही खरीदेंगे। सस्ती वाली? क्यों, तुझे सिर्फ एक्लेयर्स ही पसंद है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, हम लोग बातचीत करते करते पैदल चले ठीक जाएंगे। ठीक है, बस अच्छी तरह से चले जाना। हाँ, ये तुझे कैसे जानता है? इसने कंप्लेंट तो नहीं किया ना कि हमने उसका लंच बॉक्स खा लिया? अरे नहीं यार, मेरे बगल में घर था ना जो हमेशा बंद रहता था, ये लोग वहीं पर रहने आए हैं। पता है उसके पापा ना मर चुके हैं, मेरी मम्मी बोलती है कि मैं इसे जाकर दोस्ती कर। अरे उसे दोस्त बनाकर हम लोग क्या करेंगे? हैप्पी बर्थडे। सारे मतलब एक ही ले। हैप्पी बर्थडे। अरे एक लेना, चॉकलेट मिलेगी समझे ना, कोई ज्यादा नहीं लेगा। हैप्पी बर्थडे। एक ले, एक ले, ये ले। ए ले लेना यार, इसका बर्थडे है आज। मुझे तो ये पागल लगता है, इसके माँ बाप ने भी परेशान होकर इसे छोड़ दिया है लगता है। पागल। Oh, my God.
भाई साहब अपने पोते को ढूंढ रहे क्या? हाँ भाई साहब। वो तो कब का चला गया? क्या उसने क्लास के एक बच्चे को मारा है। ये क्या टीचर बोल रहे ने उसे सजा दी और स्कूल का बेल बजते ही वो भाग गया। क्या किया? ए, जाओ जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ, मस्ती मत करो। चाची यही है वो। ए, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों पिटाई की उसकी? सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों मारा इसे? ऐसे क्या देख रहा है? साहब जी, आप मेरे पोते को क्यों डांट रहे हो? क्या किया बेटा तूने? हाँ, स्कूल में क्या हुआ? अगर तू बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? हरी के मम्मी क्या हो गया? स्कूल में मेरे बेटे को पता नहीं इस लड़के ने क्यों मार दिया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? अगर ऐसा लगता है तो इसके चेहरे को देखो। बर्थडे के दिन इसने इसकी ऐसी पिटाई की है कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अरे बेटा आज तेरा बर्थडे है? हाँ। आज इसका भी बर्थडे है बेटा। मैं इसके लिए एक नई ड्रेस लेके आया था, इसने आज वो भी नहीं पहनी। अरे तुम हमसे बात क्यों कर रहे हो? जाकर इसके माँ बाप को बुलाओ, हमें इसके माँ बाप से बात करनी है। जाओ ना बुलाओ। अरे भैया इसके तो माँ बाप मर चुके हैं। तूने इसे क्यों मारा? ठीक है अब से तू ऐसे छोटे मोटे झगड़े नहीं करेगा। तुझे जो कुछ भी कहना होगा मुझसे आकर कहना, ठीक है ना? चलिए चलते हैं, बच्चों के बीच की बात है, आपस में सुलझा लेंगे। चलती हूँ बेटा। ये स्कूल वालों ने कुछ नहीं किया क्या इसके साथ? ठीक है, नहीं नील डाउन कराया था ना। बच्चों जो बोलूंगा दोहराना। ठीक है सर। ठीक है। पुराने दिनों में एक गांव में दो दोस्त साथ रहते थे। उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। मास्टर जी सुनिए। हाँ बोलिए। अरे हाँ? अपना बैग लेकर आओ। ठीक है सर। अबे क्या यार तू अकेला जाएगा? इसकी बोरिंग क्लास में तू ही बैठ। Thank you.
हाँ बोलो। हाँ मैं घर पर ही हूँ, क्या हुआ? अरे रे 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 रे, ठीक है हम जाते हैं। बेटी, बेटी है माँ? क्या हुआ पापा? मुझे एक अंतिम संस्कार में जाना है बेटी। स्कूल तुम अपने भाई के साथ चले जाना, शाम को मैं आते वक्त लेता हूँ, जरूरत हो तो गाड़ी लेकर जाना। हाँ। भैया भैया क्या है? मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए ना। क्यों पापा, क्या कर रहे हैं? पापा को फोन आया था, किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं वो। इतनी सुबह सुबह किसकी मौत हो गई? तू रेडी हो जा, हम चलते हैं। मैं तो रेडी हूँ भैया, उठ जाइए ना प्लीज। आराम से, कोई बेड पर सोने भी नहीं देता यार। हेलो, अरे मेरा बुढ़ा कहीं तो बाहर जा रहा है, तो हेमा को मुझे स्कूल छोड़ना है। बाइक बाहर ही रखना, मैं आ रहा हूँ। उसमें पेट्रोल लेके नहीं चेक करना। हेमा आई भैया, चलो। भैया भैया, पापा ने ये बाइक लेकर जाने के लिए कहा। ये खटारा, इस खटारा को इस दुनिया में डैडी के अलावा और कोई नहीं चला सकता। इस पर जाने से तो अच्छा है कि पैदल चलकर स्कूल जाएंगे। चलो आओ। अभी नहीं। ए, तू कहीं जाना मत, मैं आकर तुझे ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ख्याल रखना। हे, हाँ। स्कूल जाने वाली लड़कियों को छेड़ना कैसा बेशरम है। चल निकल। कौन था? ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे मार ही देगा। मैं उसकी बहन को पटा नहीं पा रहा। छोड़ ना यार, उसे तो हम बाद में देख लेंगे, हमारे हाथ से बचेगी नहीं वो। हेलो। अरे यार मैं मुद्दू बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ है तू? मैं कॉलेज के पास दुकान पर आया हूँ। ठीक है, तू वहीं पर रुकना, मैं ईश्वरन को छोड़कर फ्रेश होके आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ। एक सिगरेट देना भाई। सिगरेट फेंक दे, तेरी लवर देख रही है। तो क्या हुआ? कैसे घूर कर देख रही थी वो, फिर भी तो सिगरेट पीता ही जा रहा था। सारे कारनामे तू करता है और ऊपर से जाकर के दोष उसको देता है तू। इन चीजों में ही तो मजा है, नहीं तो जिंदगी में क्या रखा है। चल वो सारी बातें छोड़, ये तो होता ही रहता है। अभी थोड़ी देर में तेरी लवर का घर आएगा। घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कॉर्पोरेशन वालों को रिश्वत दी है। ठीक है चल, मिलते हैं बाद में। ए हरी, चाय पिएगा? नहीं भाई, मुझे घर जाके खाना खाना है, मिलता हूँ बाद में। ठीक है चलो, मैं निकलता हूँ। रुकिए रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ से चली जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा क्या है, जल्दी बोलो। वो क्या है
तुम्हें उससे प्यारे यही कहना चाहती हो तो उसको जाके बोल दो, उसको देख के इतना घबराती क्यों? जब वो सामने होता है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए ना। क्या तो तुम्हारी जगह मैं उससे प्यार करूँ? ठीक है तुम जाओ, मैं रात में उससे बात कर लूंगा। सिर्फ बात करूंगा लेकिन फैसला उसका रहेगा। जैसे तूने मुझे रोका वैसे उसको रोकना और देखना कि उसे कैसा लगता है। उसने मना किया तो तू उसे परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना? ठीक है चलो जाओ। यही बाकी था। इसी कॉलेज में पढ़ रहा है तू? नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? जो तू कर रहा है वही ये भी कर रहा है। क्या बोला? मुझसे जबान लड़ाएगा? चलो उठो और निकलो, दोबारा दिखना नहीं। ए इधर आना। अगर यहाँ पर आना है ना तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जाके मेरे लिए सिंग दाने की चिक्की और सिगरेट लेकर के आ। एक सिगरेट देना। क्या हाल है भाई? पहले ही कहा होता कि तुम्हें सिगरेट चाहिए, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्या है भैया? ए तुम लोग मेरे हाथों से एक दिन जरूर मार खाओगे, निकलो यहाँ से, जाओ। अबे तू भी ना यार, जूनियर्स को क्यों परेशान करता रहता है? भाई एक सिगरेट देना। अरे यार मैं बोर हो रहा था, थोड़ा टाइम पास करने के लिए उनके साथ मजाक किया मैंने। तू उनका मजाक उड़ा रहा तो क्या? अबे उन्होंने तुझे ताना मारा तू समझा भी नहीं। चल तू घर जा, ए जाके पढ़ाई कर। ठीक से पढ़ाई हो रही है ना? तुम मुझसे बात ही मत करो। ओए क्यों बात ना करूं? क्या किया है मैंने? हर रोज तुम्हें दुकान पर खड़े सिगरेट पीते देखती हूँ। सुबह सुबह उठकर अगर काम ढूंढने जाओगे तो तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो घर पर आकर तुम्हें काम देंगे? तुम्हारे सारे दोस्त आज काम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए ना। मुझे क्यों आएगी? तुम्हारे सारे क्लासमेट के हाथों में एक छोटा सा बच्चा है और उन सबका एक एक पति है और तुम हाथ में नोटबुक रखकर यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। अगर मेरी बात मानी होती तो अब तक हमारे चार बच्चे होते। अभी भी देर नहीं हुई है, बोलो रेडी हो क्या? मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हें समझाती हूँ? एक लगाऊंगी ना मुंह पर, गुस्सा आ गया क्या? ठीक है वो सब छोड़ो, आज रात को पक्का आना। कहाँ पर? मैंने पिछले हफ्ते कहा था ना हमारे मंदिर में पूजा है और मैंने पहली बार मन्नत मांगी है, तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता? ज्यादा चिल्लाओ मत, मैं आ जाऊंगा। कितने बजे पहुंचना है? 8:30। नहीं नहीं तुम 9 बजे आ जाना। ठीक है मिलता हूँ मैं। लेट मत होना प्लीज। अरे मैं आ जाऊंगा ना, चलो निकलो। क्या हुआ यार? अरे उसके एरिया में मंदिर में कोई पूजा है। मतलब रात का प्लान कैंसिल? नहीं 9 बजे तक पहुँच जाएंगे तो चलेगा, वो सब बाद में देखेंगे। सही है सही है। अच्छा भैया पांडे तो निकल गया होगा ना? हाँ निकल गया होगा। उसे फोन करो ना। वो बच्चा थोड़ी है। ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। हेलो पांडे, ये लो जरा बात करो। हाँ दे दो। हाँ तुम निकले कि नहीं? मैं अभी तुरंत निकल रहा हूँ। रात होने से पहले पहुँच जाना और ठीक से गाड़ी चलाना। आप चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। ठीक है बाद में बात करती हूँ। हेलो अंकल। आ जाओ बेटी, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हे दीदी। हे कैसे हो तुम लोग? कैसे है तू? दीदी कहाँ नजर नहीं आ रही? वो अंदर है। ओ चिकन चिकन चिकन। अरे बेटी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ नाना जी। नाना जी से आशीर्वाद ले लो बेटा। अरे रहने दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, ढेर सारी खुशियाँ मिले। अभी तू जाकर जरा हाथ पांव धोकर आ जा। नाना जी पापा कहाँ हैं? मम्मी मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बेटी गायत्री की पढ़ाई कभी खत्म होगी? अप्रैल या मई के आखिर में। पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी पांडे के साथ करवा देनी चाहिए, पांडे की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है पिताजी जैसा आप कहें। ए जल्दी लेके आ जाना। हाँ ठीक है। हम्म
अबे तू कब आया? अभी आया। ए रुक जा, मैंने मुत्तू को ड्रिंक लाने के लिए कहा है, एक दो पैक मार के जा। इतनी जल्दी? अरे गायत्री के एरिया में कोई पूजा है तो उसने हम सबको वहाँ पर बुलाया है, हम जल्दी से कटक के चले जाते हैं। मंदिर का त्यौहार है, आज पीना जरूरी है क्या? कल भी तो पी सकते हैं ना। तू भी ना, अरे हमने कोई व्रत रखा है क्या? हम तो कोने में खड़े रहकर पूरा शो देखेंगे, वो हमारे नजदीक भी नहीं आ पाएगी। अबे उसके साथ उसका पूरा खानदान रहेगा तो उसे तो हम लोग दिखाई भी नहीं देंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ से लाया तू ये सब? अनबू की दुकान से। अनबू की दुकान से मुझे एक बात याद आई, वो काउंसलर का बेटा वहाँ पर खड़ा आने जाने वाली लड़कियों को बहुत बुरी तरह से छेड़ता रहता है, किसी दिन उसका सर फोड़ना पड़ेगा तभी जाकर वो मानेगा। पहले बोतल तो खोल दे यार। अबे तुझे ना खींच के लगाऊंगा। क्या यार, तू ही तो बोला जल्दी जल्दी पीना है, इसीलिए खोलने को बोला। यहाँ उपस्थित भक्तजन, माताओं और बहनों, ये हमारे भगवान के लिए भोग है। पूजा खत्म होने के बाद हम रस्म को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप हमें शक्ति दें, हमारे कष्टों को दूर करें, हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उन सब से हमें मुक्ति मिले। ठीक है, क्या डिसीजन लिया तूने? किस बारे में? वही वो लड़की जो रोज बाहर आकर तुझे बड़े प्यार से देखती है, उसके बारे में फैसला लिया कि नहीं? उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ मजे ले रही है भाई, अवॉइड कर। वो मजाक नहीं कर रही है, सुबह उसने मुझे रोका जब मैं तुझे छोड़ के वापस आ रहा था। उसे क्या चाहिए? तू उसे हाँ या ना का जवाब दे दे, उसने मुझसे यही बात की। वो खुश है तो नहीं चाहता क्या? मेरे प्यार में पड़ गए तो पता है ना क्या होगा, तू सब कुछ जानता है फिर भी ऐसा क्यों चाहता है? तू कहना क्या चाहता है? समझा नहीं क्या, जो भी मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मर जाता है, बचपन से मेरे साथ यही होता आ रहा है। बड़े पंडित की तरह मत बोल, मैं हूं ना तेरे लिए, तुझे क्या लगता है मैं भी मर जाऊंगा? hey! मेरा मुंह बंद नहीं करेगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? और भी बहुत बड़ी जिंदगी जीनी है, और अगर मैं मर भी जाऊं ना तो तुझे भी मेरे साथ मरना होगा, तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचने वाला, तू इससे भाग नहीं सकता दोस्त। कल सुबह वो लड़की तुझसे बात करेगी, तू अगर उसे पसंद करता है तो उसे हाँ बोल दे। ए, बाकी का हम लोग देख लेंगे, ज्यादा सोचने का नहीं, चल भाई मेरे लिए एक पैक बना फटाफट। चलो रे नाचो नाचो। चलो चलो, हो गया, चलो साइड हटो, चलो हमने अपना काम कर दिया, हम नाचने आए, नाचो। ए, क्या कर रहे हो, डिक्से नाचो रे, ए जगह देना है। ए चलना चल, हाँ चल। अरे रुको,
ए वो तुझे रुकने के लिए बोल रहा है, तू सिर्फ चुपचाप चलती रह, बाकी मैं देख लूंगी। मैं आवाज दे रहा हूँ, रुक नहीं सकती क्या? क्या परेशानी है तुम्हारी? कौन हो तुम, क्या चाहिए? कौन हूँ, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? कल रात के बाद मैं तुम्हारा नाम भूल चुकी हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे तुम गार्डन के सारे फूल मुझसे मांग लो मेरी जान, और अगर चाहो ना तो खिड़की की सारी ग्रिल मांग लो, या नारियल के पेड़ के पत्ते मांग लो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम गुनगुनाएंगे। ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या बोल रही थी यार वो तुझे? बहुत नाराज हो गए मुझसे यार। पर हुआ क्या? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने मुझे बहुत ज्यादा पिला दी थी। देख यार, रात में हम लोग पीकर थोड़ा नाच रहे थे, तो यार इसमें हम लोगों की क्या गलती है यार? एक बात बता, आदमी पिएगा तो नाचेगा भी ना। अब जिसको हम पी रहे हैं तो हमें उसको भी तो पूरा सम्मान देना ही पड़ेगा ना। ये बात जाके उस लड़की को समझा, जब वो पिएगी तो वो खुद भी नाचेगी। एक कान के नीचे बजाऊंगा, परेशान मत कर, जाके सिगरेट ले गया। ठीक है ठीक है भाई, दो सिगरेट देना। एक मिनट रुकिए, टाइम क्या हुआ है? 5 बज रहे हैं। 5 बज रहे हैं, बता दिया ना, अब खड़ी क्यों? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। चलती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। ए, रुक रुक रुक, एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता, निकले यहाँ से। ए, अरे रुको तो सही, खुद को क्या कोई बहुत बड़ा आदमी समझते हो? तुमने मैम से ऐसे बात क्यों की? ए, मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रहा था। पूछना इतना जरूरी था क्या? तुम सिर्फ मुझ पर ही अपना गुस्सा उतार सकती हो। जब तुमने अपनी मैडम को देखा था तो डर के मारे तुम्हारे माथे से पसीने छूट रहे थे और तुम कांप रही थी। कौन कौन डर रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब टाइम पर घर चले जाओ, वरना घर वाले सोचेंगे कि बेटा कहाँ चला गया। ठीक है, मैंने माफ कर दिया, मेरा भी तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। देना, हिचकिचाना मत, ठीक है ना? ठीक है, अब जाती हूँ। ए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। घर जाओ, हमें किसी ने देख लिया तो? कोई बात नहीं। तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, ना तो मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मैं टाइम पास कर रही हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? इतने गुस्से से बात मत करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस इतना ही। तुम्हारा जवाब हाँ है या ना है वो तो बता दो, मैं पसंद नहीं हूँ तो चली जाऊंगी,
और दोबारा कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पसंद हो बताना क्या हुआ, कब से पूछ रही हूँ, कुछ तो बता क्या हुआ। उसने मना कर दिया क्या? तो फिर रो क्यों रही है, क्या कहा उसने? उसने हाँ कह दिया। तो फिर तू रो क्यों रही है? पता नहीं पागल। ए पापा आ गए। ठीक है मैं अंदर जाती हूँ। ये क्या है पापा? हमारी सुशी आंटी का कोई रिश्तेदार है जो हमारी रेवती से रिश्ता जोड़ना चाहता है। ये लड़के की फोटो है। तो आपने उनसे क्या कहा? अभी मैंने कुछ नहीं कहा है, बस उनकी इज्जत रखने के लिए फोटो रख ली। अभी इसकी शादी कहाँ करेंगे? Excuse me, can you tell me how to get to the airport? Can you please tell me how to get to the airport? ओए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाओ। जाबे? Oh, huh? Excuse me, 14 kilometers from here. If you are in a real hurry, then take a taxi. Thank you. क्या बात है, English तो बहुत ही फटाफट बोलती हो। तुम्हें English भी समझ नहीं आती क्या? लेकिन वो English में बोल क्या रहा था? उसे लगता है कि तू सबसे बड़ा पागल है। क्या? एह, जरा रुक। एह, रुको। चल हिंदी में आ बोल के दिखा। What? What? Wait, नहीं। आ, ई, बोल के दिखा। Sorry, you please carry on. तुम पागल हो गए हो क्या? उसे हिंदी कैसे समझ में आएगी? Foreigner है ना? देखो मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, समझी? और तुम भी भारत की हो, पागल कहीं की। तुम अपनी ज़बान पर थोड़ा लगाम रखा करो, वरना तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये तो सच है। बोलो ना, कहाँ पे? हाँ ठीक है, आता हूँ। कौन था? अरे वो लड़की। आ? क्या बोल रही है? उसको मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ। आगे दुकान पर इंतजार कर रही है। सही है, सही है, सब कुछ सही जा रहा है। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पापा मीटिंग के लिए तिरछी गए हुए हैं और उन्हें लौटने में रात हो जाएगी। तो फिर? तो तुम मुझे कहीं बाहर ले जाओगे? देखो ये अच्छी बात नहीं है, तू इस पे लाइन मारने से अच्छा ये घर पे ही रहती। मेरे लिए प्लीज प्लीज, मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा है क्या? बस एक ही बार ना प्लीज। ठीक है चलो। अरे वाह, मैं तो तुम्हें कम समझता था। जब तक सफलता ना मिले कोशिश करते रहो, बहुत सही जा रहे हो। तुम जाकर भैया को घर छोड़कर आ जाओ, मैं यहीं वेट करती हूं। नहीं नहीं बहन, तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा, तुम लोग एंजॉय करो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं ना। अरे मैं चला जाऊंगा, तुम लोग जाओ ना। ठीक है चलो। ये बाइक तो तुम्हारी है ना, तो अपने नाम के बजाय तुमने हरि का नाम क्यों लिखा है इस पे? देखो नाम उसका हो या फिर मेरा, बात एक ही है। उसकी इच्छा थी इसलिए मैंने खरीद ली, मुझे बाइक की क्या जरूरत थी। हाँ ठीक है समझ गई। अच्छा हरि भैया की ही तरह मेरी भी दो इच्छाएं हैं, तुम पूरी करोगे? क्या है? पहली ये कि तुम दाढ़ी निकाल कर क्लीन शेव हो जाओ। ये भी कोई इच्छा है क्या? ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है कोई बात नहीं, दाढ़ी में भी ठीक ही लगते हो, लेकिन मेरी जो दूसरी इच्छा है वो तुम्हें पक्का पूरी करनी होगी। वो क्या है? आज के बाद तुम दारू नहीं पियोगे। मैं जो पूरी नहीं कर सकता वैसी इच्छा क्यों रखती हो? सब हो सकता है अगर तुम ठान लो तो। आज के बाद तुम नहीं पियोगे, चलो मेरी कसम खाओ। चलो। रास्ते में कुछ खाएंगे क्या? मुझे भूख लगी है। पीना यार। मुझे नहीं पीनी है। क्यों बे? अगर उसे नहीं पीना तो छोड़ना, ये ले चल मेरे लिए पैक बना। रुकना यार, वो गायब हो रहा है क्या? एक छोटा सा पैक तो ले ले।
नहीं चाहिए यार। लेकिन क्यों? उस लड़की ने अपने सर पर हाथ रखकर मुझे कसम दिलाई है कि आज के बाद से मैं कभी नहीं पीऊंगा। ज्यादा दिखावा मत कर, मैं भी इतने सालों से प्यार में हूँ लेकिन तेरे जैसा नहीं। अरे छोड़ ना उसको, उसके बदले मैं पीता हूँ ना तेरे साथ। तेरे पास और कोई चारा है क्या? और तुझे कौन सी लड़की पटने वाली है? कोई अपनी बेटी भी तुझे देने वाला नहीं है। क्यों बे, तू मर क्यों नहीं जाता जाकर? अरे वो सब छोड़, अच्छा इसके हिस्से का भी मैं पी लूं क्या? फु, कमीना कहीं का, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ। ठीक है चल पी ले। अच्छा ये बता, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बस ऐसे ही, आजकल जो प्यार करते हैं ना वो कुछ ज्यादा ही ओवर करते हैं। कौन है वो? हम तो वेस्ट है। किस बारे में बात कर रहे हो? अपना ईश्वर है, जब से मैं उसे जानता हूँ आज तक उसने अपने काम से कभी छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन कल एक लड़की ने उसे बाहर ले जाने के लिए क्या कह दिया, वो सीधे सीधे उसकी बात ही मान गया और उन्होंने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया। अरे उस बात को तो छोड़ो, रात में हम जब पीने के लिए बैठे थे तो उसको हमने पीने के लिए पूछा तो वो नहीं पिया, बोला लड़की ने कसम दी है। मैंने भी कितनी बार कहा है कि पियो मत, पर तो मानते ही नहीं। तुम्हारी जिद के सामने कोई कुछ नहीं है ना, बात मत करो मुझसे। वो लड़की व्यवहार में शातिर है इसलिए उसने कसम दी, लेकिन तुम में इतना दिमाग नहीं है, तुम थोड़ी सी बुद्धू हो। ए, ए, अरे। तुम मेरी कसम खा कर कहो आज के बाद शराब नहीं पियोगे, और अगर पियोगे ना तो मुझे भूल जाना। तुम्हारे साथ समय गुजारने आया था, इस वक्त ये सब जरूरी है क्या? हेलो, हाँ बोल। ऐसा है क्या? अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ, तू एक काम कर, तू निकल और पैदल चलते हुए जाना, और घर पहुँचने के बाद फोन करना। हाँ। कौन है? हेमा, वो चाहती है कि मैं उसे ले हाँ, ले जाऊँ। तो फिर जाओ ना। अरे घर पे आ जाएगी, अपना ही एरिया है ना। वो एक छोटी बच्ची है, उसे कैसे छोड़ सकते हो? क्यों, तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हें छोड़ा है ना? सॉरी सॉरी, तुम लड़की हो कहाँ, तुम तो एक गुंडी हो। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप चलो। ए हेमा स्कूल से अकेले घर जा रही है और चलते हुए जा रही है, अगर वो तुझे नजर आए तो उसे ले जाना। एए, क्या नाटक कर रही है? एए, अरे भाई अब उसकी दुकान के सामने आपके भांजे की पिटाई हो रही है। तू घर पे जा, चल निकल। ए, 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 अरे मेरी बात सुन, रुक जा मेरी बात सुन, क्या कर रहा है? छोड़ ना उसको, छोड़। अरे तुम कौन हो? ए, किस एरिया के हो तुम? तुम्हें पता है किसको हाथ लगाया तुमने? हेलो दीदी। ए किधर है तू? भांजे के एक लड़के ने पिटाई कर दी है। क्या बोल रहा है? ये सच है दीदी। अरे क्यों इसको मारा यार? अपने एरिया में आकर हाथ उठाया इसने। अभी इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा दीदी। ए अभी इलेक्शन का टाइम है, हाथ पैर जोड़कर कितनी मुश्किल से मैंने ये मेयर की कुर्सी हासिल की है। 3-4 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं मेरे। इस वक्त अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, वरना हमसे शहर में कोई नहीं डरेगा। देख तू वहाँ कोई गड़बड़ मत कर देना। शांति कायम रखना है, पहले इलेक्शन खत्म हो जाने दे, उसके बाद उसे देख लेंगे। चुपचाप निकल वहाँ से। अरे यार ठीक है, जो मर्जी आए करो। आज मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन कभी न कभी मेरे हत्थे जरूर चढ़ोगे, तब देखूंगा तुम्हें। ए भांजे उठ चल। चिंता मत कर भांजे, मैं इन लोगों को देख लूंगा, तो अभी घर चल। तुम क्यों उस बारे में इतना सोच रहे हो, भूल जाओ ना। लड़कियों को छेड़ते रहते हैं आवारा कहीं के, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। उसकी माँ काउंसलर है तो कुछ भी करेगा क्या? कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, तो जाने दो प्लीज। अच्छा तुमसे कुछ कहना चाहती थी, कहूँ ना? क्या? कल मेरा जन्मदिन है, इस बार मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी,
मेरे साथ चलोगे ना? अच्छा, कल या परसों हम सब लोग गांव जाने वाले हैं। 4 दिन में वापस आ जाएंगे। गांव क्यों? ऐसे ही, माँ के गुजरने के बाद कभी गए नहीं, तो पापा ने कहा चलते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ, पापा के आने का वक्त हो गया। सुबह मंदिर जाना पक्का है ना? पक्का। चलो चलते हैं। अरे रुक जा। अरे रुकना। मुझे पसंद नहीं। तो फिर मुझे लगा दो। मेरे माथे पर लगा दो। लगाओ ना। क्या हुआ? कपड़े चेंज किए बिना ही ऐसे खड़ा है? ओए, अबे तुझसे कह रहा हूँ, क्या हुआ? मंदिर से आते समय उसके पापा ने हमें साथ में देख लिया था। वो उनके साथ गाड़ी पर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। अबे क्या बोल रहा है तू? और ये सब हुआ कब? हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। पापा ने कुछ नहीं कहा, उस बारे में बात ही नहीं की। कल सुबह हम लोग गांव जा रहे हैं, यही बताने के लिए फोन किया था। मेरे गांव से लौटने के बाद तुम अपने घर वालों को लेकर मेरे घर आना। मुझे पूरा यकीन है कि पापा हाँ ही कहेंगे। अच्छा अच्छा, अब मैं रखती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। कौन है, क्या हुआ? अरे वही थी, वैसे घर पर तो कुछ नहीं हुआ। कल सुबह वो अपने गाँव जा रहे हैं, लौटने के बाद घर वालों को रिश्ते के लिए लेकर आने के लिए बोला। बस इतनी सी बात है? चल कोई बात नहीं, देख लेंगे। किस रिश्तेदार को लेकर जाऊंगा मैं वहाँ? अरे छोड़ना, हम बूढ़ों को लेकर चले जाएंगे। यार मेरा उनसे नहीं जमता है, तू तो जानता ही है ना। क्या हुआ यार? तू रुक जा, बाद में बताता हूँ। देख जो होगा वो सवेरे देख लेंगे, और अगर उसने मना किया ना तो फिर उसको मैं देख लूंगा। हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, सुबह मंदिर से लौटते समय उसके पापा ने इसको देख लिया, बस इसलिए थोड़ा सा टेंशन। क्या हुआ, आज काम पे नहीं गया? एक मिनट, आपसे बात करनी है मुझे। अब क्या जरूरत है उसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ईश्वर को एक लड़की बहुत पसंद करती है और ईश्वर भी उससे प्यार करता है। उस लड़की ने कहा है कि अपने घर वालों को लेकर उसके घर पे रिश्ते के लिए आ जा। अभी तो वो लोग गांव गए हैं, गांव से आने के बाद मैं आपको बता दूंगा, आप आ जाना। और कोई सेवा करनी है? नहीं, और कुछ नहीं है, अब आप ऑफिस जा सकते हैं। एक थप्पड़ लगाऊं क्या? इस तरह खामोश क्यों बैठा है? ये जो कह रहा है सच है? ऐसा है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये तेरा वकील है क्या? आप मेरे लिए जाएंगे या नहीं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए। अरे मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? तू भी मेरा बेटा ही तो है। जब जाना होगा बता देना। यार तू अपने पापा से जैसे बात करता है ना, उनका चेहरा देखकर तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अबे उनसे ऐसी डील करनी पड़ती है, अगर उनके सामने हम जाकर डर के बात करेंगे ना तो हमें सुधारने के नाम पर पूरा 2 घंटा कथा पुराण सुनाते रहेंगे, समझा? अच्छा छोड़ ना, अब उनको, उन्होंने हाँ कर दिया ना बस। हाँ तो और क्या, इन दोनों की शादी करवाने के बाद इसका शर्माता हुआ चेहरा देखना पड़ेगा क्या?
कैसे हो भैया? इसको क्या कमी है, ये तो दूल्हा बनने वाला है। कब रिश्ता पक्का किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब तक कुछ पक्का नहीं है, वो लोग आज ही गांव से आए हैं, कल जाकर बात करनी है उनसे। अब तुम वहाँ जाकर इस तरह से बातें मत करना। तो फिर किस तरह से बात करनी है? ठीक से बात करना, जो भी कहोगे सोच समझ कर कहना, ठीक है? जाओ जाओ, सब पता है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं पता है और ये मुझे अच्छी तरह से पता है, समझ गए ना? बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो जाओ। भैया इसे संभाल कर ले जाना। क्या बात है, तेरे बारे में ये सब कुछ जानती है? अरे कहाँ गया ये, अभी तक आया नहीं। आ रहा होगा अंकल। स्मार्ट लग रहे हो भैया। अब इंसान के जैसा लग रहा है, जरा इसे भी समझा। क्या ये गंदा काम करके आया है तू? वो लड़की बहुत दिनों से कह रही थी, इसीलिए लगता है धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाएगा तू। ठीक है चलो यहाँ से। पहले मंदिर चलो, दर्शन करके वहां से जाएंगे। चल गाड़ी निकल भाई। बस बस यहीं पे खड़ी कर। क्या कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा जाके सो जा। हाँ ठीक है माँ। रहने दे, कोई फायदा नहीं है। ये बता वो दोनों कहाँ गए? वो तो अपना काम कर रहा था ना, तुम उसकी जिंदगी में क्यों आई? अरे रुक यार, तेरी वजह से बदनामी हो रही है। हेलो, अरे यार ये मान नहीं रहा है। क्यों? कहां पे जल्दी से यहां पे आ जाए। नाक कट जाती क्या? इज्जत से बात कीजिए। इज्जत से बात करूं? तू बीच में मत आ, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तुम्हारी इज्जत की तो ऐसी की तैसी। ए इधर देख, चलिए तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तूने खुद बोला था ना रिश्ते की बात करने आ जाओ, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया बता? अरे छोड़, मैंने ही बुलाया था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना कि मुझे वो नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, मैं अपने पापा की ही बात मानूंगी। आपको मेरी इतनी फिक्र होती है, बदनाम नहीं कर रहे होते। मैं कह रही हूँ ना, जाइए।
से। क्या कहा? नहीं चाहिए तेरी तो। अरे तुम्हें आने के लिए किसने कहा? छोड़ इसे यहां से। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। चल यहां से। तुम अंदर चलो। चल कुछ तो बात कर यार। अरे तुझसे बोल रहा हूं, अपने दुख को अंदर मत छिपा, कुछ तो बोल भाई। तू अगर ऐसे ही पीता रहेगा तो कुछ बदलने वाला नहीं है। जो कह रहा हूं वो सुनाई दे रहा है ना तुझे? ए अबे तुझसे बोल रहा हूं मैं, क्या कर रहा है? दिल के भड़ास को आंसुओं से निकाल दे, तभी दिल हल्का होगा तेरा। नहीं निकलेगा आंसू, नहीं निकलेगा। माँ बाप मरे थे तब तो आंसू निकले नहीं, इसके जाने से आंसू निकलेंगे क्या? आंसू नहीं निकलेंगे? तू क्या जानवर है? हाँ हूँ जानवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ए क्या कर रहा तू? ए वो आ गई। तुम्हारा फोन कहाँ है? कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन करके बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, उसने इसको धोखा दे दिया। उधर गए थे तो वो किसी और के साथ खुश थी। तुमने पी हुई है ना? अरे वो छोड़ो। तो फिर मेरी कसम खाकर कहो। ए, वो एक अच्छा इंसान है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है? ओ, मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम्हें परवाह नहीं है ना? अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। ए! छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे जाओ जाओ, कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी धोखा देगी, तो अभी दे देना, चली जाए यहाँ से। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। जाओ यहाँ से। तुम लोगों को टाइम पास करने के लिए हम लोग ही मिले हैं क्या? हाँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा? टाइम पास? तुम मुझे मार रही है, और मार के जा। तू नहीं है तो क्या हम जी नहीं सकते? तू फिकर मत कर, मैं हूं, मैं सब देख लूंगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है।
हेलो, क्या हुआ? कब, कहां पर हुआ? अपनी तरफ कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? चोट लगी है क्या? सुनिए जी, कौन है? ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आता हूं अभी। किसे चोट लग रही है बताइए ना। अपने रवि का हाथ किसी ने काट दिया है। क्या किया तुम लोगों ने? चिंता की कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर अपना आदमी है, उसको पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया, सीधा हॉस्पिटल लेकर आया। अभी कहां है? अंदर। हाँ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या करूं मैं, काम करने की ताकत नहीं है और हर जगह पर वो अपना नाम खराब कर रहा है। तो फिर तू ये करेगा, अगर कहीं वो मर मर आ गया तो तू क्या करेगा? धन दौलत चली जाए परवाह नहीं है, लेकिन इज्जत चली जाए वो बर्दाश्त नहीं है। गया तो उसकी गर्दन काटने था मैं, पर मिला सिर्फ हाथ ही। तू बता ना। ए, इसे चुप रहने के लिए बोल। वकील से बात की तूने? कल सुबह इनके बदले कोई और सरेंडर करेगा। अभी इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, समस्या बढ़ती ही जाएगी। मैं इसे मदुरई लेकर जाता हूँ, तू यहाँ सब संभाल लेना। ठीक है। डॉक्टर कहाँ पर है? अपने केबिन में। क्यों बे, कॉलेज शमशान की तरह खाली क्यों है? पता नहीं यार। अरे भाई सुनो, कॉलेज में कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? कॉलेज की छुट्टी है। अरे किस बात की छुट्टी है, आज तो कोई हॉलीडे भी नहीं है। एग्जाम आ रहा है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए 10 दिन की छुट्टी दी हुई है। किसको पूछ कर छुट्टी दी है? अरे देने से पहले बताना चाहिए ना। वो सब रहने दो, तुम कौन हो? तुम मेरे को नहीं जानता, डॉन हूँ डॉन। अरे भाई ये बोल रहे हैं कि छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी मिली है। ठीक है बैठ जा। क्या यार घर भी बंद है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लगता है कहीं बाहर गए होंगे। कुमार को फोन लगा, लेकिन क्यों यार? अबे तू लगा ना, अगर इनके घर पे कोई देखे तो मुझे फोन करने को बोल। ठीक है। कुमार है? हेलो, अच्छा आ गए क्या? थैंक यू सो मच यार। तू जरा पूछ के बताना मुझे, पिछली बार भी कहा था उसे, लेकिन ढंग से बात नहीं हो पाई। सबने वोट दिलवाकर मुझे जिता दिया, पोस्टर्स वगैरह चिपका कर तो धमाल ही मचा दिया। मैं भी आप लोगों की हर तरह से मदद करूंगी। खुशी, ये मेरा भाई मारी है, अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो इससे मिल लेना। ठीक है? दीदी हर काम अच्छा करती है, ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। दीदी हमारे एरिया का एक कॉम्प्लेक्स मैनेजर, उसे देख लीजिए। मारी क्या मामला है, जरा जाकर देख। मैं ये सब नहीं करूंगा, किसी और को भेज के करवा लो। ऐसा क्यों बोल रहा है तू, क्या हो गया तुझे? अभी बताना जरूरी है। तुम लोग जाओ, मैं सब अच्छा, देख लूंगी। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्कार। हाँ ठीक, चलो भाई चलो। क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम है तेरी? उस दिन आपने कहा कि इलेक्शन चल रहा है इसलिए हम लोग चुप बैठ गए। मेरे ही सामने मेरे भांजे को मारा और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब लोग वहाँ पर हंस रहे थे, तुम्हारी वजह से मैं चुप बैठा। पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है? तो तू करना क्या चाहता है? मेरे भांजे को मारने वाले को पहले मैं मारूंगा, उसके बाद तुम जो कहोगी करूंगा। ए, अभी अभी मुझे एक कुर्सी मिली है, अगर इस वक्त कोई भी गड़बड़ की ना तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तू अपने गुस्से पर काबू रख। ए भांजे, सुन भांजे, दरवाजा खोल। अरे ठीक है, काम धाम अच्छा चल रहा है यहाँ पे। ये ले पी। ठीक हो ना? इतना टेंशन में क्यों है, हम लोग है ना संभाल लेंगे यार। शादी के पहले पहुँच जाऊंगा मैं। अरे वाह, बेटे की शादी पक्की हो गई। हाँ भाई शादी पक्की हो गई है, लड़की जाने दे, जाने दे। लड़की के बाप का ही फोन था। ऐसा है क्या? लड़की वाले कल घर आ रहे हैं, मुझे भी घर जाना है। हाँ जाओ जाओ, शादी में तू भी आएगा ना? अरे ओ अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, उधर जाके बात करो ना। तू कौन होता है हम लोगों से इस तरह बात करने वाला? अभी तो जाता है कि नहीं, मैं देखता हूँ। सुनिए मामला थोड़ा सा सीरियस है, मैं सॉरी बोलता हूँ, आप लोग जाइए। चलो चलो।
क्या यार, तू भी गुस्सा हो जाता है क्या? बुरा वक्त आ गया है यार, इतने दिन उससे बात किए बिना मैं कभी नहीं रहा। बात हो जाएगी यार, कितना भी झगड़ा होता था एक ही दिन नाराज होती थी फिर खुद आकर बात करती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन मत ले, बस एक दिन की तो बात है, जैसे ही कल कॉलेज खुल जाएगा ना तू जाके उससे बात कर लेना, मामला सेट हो जाएगा। अब कूल हो जाए यार, ये लो पैसे। माँ मैं जा रही हूँ, कुछ खा कर तो जा। नहीं माँ देर हो रही है, मैं बाहर खा लूंगी। अरे बेटा घर से खाली पेट नहीं निकलते, थोड़ा सा ही सही पर कुछ खा लो बेटा। थोड़ा सा खा कर जा बेटा, मैं आ रहा हूँ। रवि तुझे छोड़ देगा, फिक्र मत कर, लेट नहीं खा के जाओ बेटी। तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी माँ भी भूखी रह जाएगी। तू खा ले, मैं तुझे बाद में गाड़ी में छोड़ दूंगा। हाँ बोलो, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। अरे वो अभी तक नहीं आई, आ जाएगी यार। ये तो वो रवि है, लेकिन ये इसको क्यों छोड़ने आया है समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम ठीक से देना, मैं तुझे बाद में लेने आ जाऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं फ्री हूँ, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, अभी तो एग्जाम देने जा। अच्छा ठीक है। हाँ कैसे जीत गई यार? दोस्त जरा संभल कर रहे ना, इसके बेटे पर तुमने हाथ उठाया इस बात की दुश्मनी निकालेगी ये। क्या यार, उस बात को तो कितना समय बीत चुका है। ए तू समझ क्या रहा है, इलेक्शन था इसलिए वो लोग चुपचाप बैठ गए, फिर भी चौकन्ना रहना हमारा काम है। बोल पांडे भाई, पापा अचानक बेहोश होकर गिर गए हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर कह रहा है यहाँ इलाज नहीं हो सकता, हार्ट की बीमारी है, इन्हें बड़े अस्पताल में लेकर जाना होगा। अभी कहाँ है? मैं एम्बुलेंस में हूँ और हाईवे क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है तू संभल कर जा, मैं बाकी सबको बताता हूँ और फिर सीधा हॉस्पिटल आता हूँ। ठीक है भाई। दीदी पिताजी की तबीयत खराब है, वो अचानक बेहोश होकर गिर। अचानक क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? पांडी साथ में है ना? डरने जैसी कोई बात नहीं है, पांडी साथ में ही है, आप जीजाजी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचो। पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? अभी ठीक हूँ बेटी। डॉक्टर ने क्या बोला है? उसने बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है, एक महीने के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से ऑपरेशन करवा देते हैं ना। नहीं बेटी, पांडी और गायत्री की शादी होने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा। भाऊजी ऑपरेशन हो जाने के बाद ही ये सब कुछ होगा, आप सोचकर परेशान मत होइए। ये ठीक नहीं दामाद जी, शादी देखने का बहुत मन कर रहा है, अगर उसके बाद मुझे कुछ हो गया तो भी चिंता नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता बेटी, सुनो दामाद जी कल का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, कल ही हम सगाई कर लेते हैं, उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त मिलेगा उसमें शादी करवा देंगे, फिर तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। क्यों क्या हुआ जीजाजी, ये सब तो हमने पहले से तय किया हुआ था ना। सब कुछ ठीक है बाबूजी, लेकिन एक दिन में सबको कैसे बुला पाएंगे? सबको बुलाने की क्या जरूरत है, सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर घर में सगाई करवा देते बस काफी है ये। शादी देखे बिना मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बाबूजी ऐसा ही होगा। इन्हें हॉस्पिटल में आराम करने देते, सगाई के समय जीजाजी पिताजी को लेकर आ जाएंगे, बाकी इंतजाम मैं देख लूंगा। ठीक है पिताजी,
गायत्री अभी घर आती ही होगी, चाबी मेरे पास है तो मैं चलती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। बस यही बताओ, ऐसे घर बंद करके कहाँ चले गए थे आप लोग? कितनी देर से बाहर खड़ी हूँ मैं। हॉस्पिटल गई थी बेटा। क्या हॉस्पिटल गई थी? क्यों माँ? अंदर चल बताती हूँ। आप हॉस्पिटल क्यों गई थी बताइए ना। तेरे नाना जी को हार्ट में ब्लॉकेज है, वो अचानक बेहोश हो गए थे तो पांडे उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। ये क्या कह रही हैं आप? अब कैसे हैं वो? अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि एक महीने के अंदर ऑपरेशन कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए था ना? हाँ, लेकिन नाना जी चाहते हैं कि पांडे के साथ तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ही वो ऑपरेशन करवाएंगे। किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो। तुरंत तेरी और पांडे की सगाई करवानी होगी और फिर अगले महीने जल्दी से शादी करवा देंगे। मेरी शादी करवाने की इतनी जल्दी क्या है? नाना जी के लिए ये सब करना होगा ना बेटा। पर कल मेरा एग्जाम है माँ, पापा ने क्या कहा? पापा ने और सबने हाँ कहा। कल तो सुबह जाकर एग्जाम देकर आ, शाम को बात करते हैं। ठीक है ना, चल अंदर। हाँ भाई साहब, कल ही तो ये बात पक्की हुई है, आप बड़े भैया को बता दीजिएगा और सुबह जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अब मैं रख दी। अचानक ही सब कुछ तय हो गया इसलिए मिलकर नहीं बता पाई। अच्छा कमला, रखती हूँ। माँ। हाँ? प्रिया को ये बुक देकर आती हूँ। कल तुम्हारी सगाई है और आज इतनी रात को बाहर जा रही हो? नहीं माँ, कल एग्जाम्स हैं, उससे भी तो इस किताब से पढ़ाई करनी होगी। उसे ये दे दूंगी और सगाई के लिए इनवाइट भी कर दूंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है माँ। आ गए पिताजी, कैसे हैं? खाना खाया उन्होंने? हाँ खाना खाया उन्होंने, अभी ठीक है। गायत्री कहाँ है? क्या वो खाना खा के सो गई? अपनी फ्रेंड प्रिया के घर गई है वो। इस वक्त? अरे वो प्रिया की कोई बुक थी गायत्री के पास और कल इनका एग्जाम है ना, इसलिए जाकर उसे बुक भी दे देगी और कल सगाई के लिए न्योता भी दे देगी। ठीक है, बहुत भूख लगी है, जरा खाना खिला दो। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। क्या है यार ये, मुझे ऐसे तड़पा रही है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये बात उसको पता है, फिर भी वो क्यों मुझे परेशान कर रही है? ए थोड़ी सी पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से ये सारी नौबत आई है और दर्द को भुलाने के लिए भी इसी को पीना पड़ रहा है। यार मैंने कसम खाई है कि मैं इसे कभी छूऊंगा भी नहीं। ये क्या किया तुमने? मुझसे बात किए बिना तुम 10 दिन जिंदा रह सकती हो ना? नहीं, तुमसे गुस्सा होने की वजह से मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, और मेरे साथ क्या हो रहा है ये भी नहीं पता। पता है घर वालों ने मेरी और पांडे की सगाई तय कर दी है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कहीं भी लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तो कॉलेज जाएगी ना? हाँ एग्जाम देने तो जाऊंगी। अभी तो घर जाओ, बाकी हम देख लेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। अभी क्या करेंगे हम? हे, इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसके हाथ का इलाज करें। हे, इसको छोड़ यार। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना। मैं मुर्गन और समर से बात करके आता हूँ कि क्या करना है। ए, तू मेरे साथ चल, पहले हाथ का इलाज करवा दे। तू अभी जाकर के मुर्गन से बात कर ले। अगर कुछ खरीदना होगा तो लेकर के मंदिर में आ जाना। हाँ ठीक है। और सुन, जरा संभल कर। ए, ऐसे कुमार से भी बात कर लेना, उसको यहाँ आने के लिए मत बोलना, उधर ही रहने को बोलना। हाँ, और बात को आराम से बताना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल करने को बोलना। हाँ ठीक है।
हेलो सुन कुमार, अरे मैं मुत्तू बोल रहा हूँ यार। अरे साहब गाड़ी साइड में लीजिए। हाँ लेता हूँ लेता हूँ। मुबारक हो दोस्त। अरे क्या मुबारक हो, यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे दोस्त हम लोग हैं ना, तुम कितना परेशान हो रहे हो, जो भी होगा हम देख लेंगे। हे, पहले तुम दोनों मंदिर के ऑफिस में जाओ और ड्रेस चेंज कर लो। खूबसूरत लग रही हो आज। नाम और राशि बताइए। हरि मिथुन राशि त्रिवोदय नक्षत्र। हरि नमो दस्या। कार्त्री उत्तर नक्षत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दूसरे को माला पहनाओ। से मुर्गन के घर जाते हैं, बाकी बातें वहीं करेंगे। ठीक है। रिया, गायत्री कहाँ है? वो तो आज एग्जाम देने भी नहीं आई, क्या हुआ उसको? क्या बोल रही हो तुम बेटी, मैंने खुद सुबह उसे यहीं छोड़ा था, तुमने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। मेरे आगे वाले डेस्क पर ही बैठती है, मुझे कैसे पता नहीं होगा। भाई साहब इधर आइए। हाँ जी। एक लड़की को मैंने यहाँ पर छोड़ा था ना, ये कह रही कि वो यहाँ आई, जरा इसको बताइए ना। आपके जाने के बाद दो लड़के आए और उसको बाइक पर बिठा कर ले गए। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? कल रात को गायत्री तेरे घर पर आई थी क्या? नहीं नहीं आई थी। नमस्ते नमस्ते। नहीं छोड़, देना छोड़ना। ये लीजिए। कैसे हैं आप? बोलो भाई। पांडे गायत्री कॉलेज में नहीं है और वो आज एग्जाम देने भी नहीं आई, ऐसा कह रहे हैं। वॉचमैन से पूछा तो वो कह रहा है कि दो लड़के आके उसे बाइक पे ले गए थे। कुछ तो गड़बड़ लग रही मुझे, तू रुक मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या हुआ पांडे? कुछ नहीं हुआ है, तुम अंदर जाओ। ए, सारे लड़के कहाँ गए? सबको बोल यहाँ आने को। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, वो किसके साथ गई है जब तक ये पता नहीं चलता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अरे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ जी? क्या कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? शांत हो जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। कॉलेज में नहीं गई, कल रात प्रिया के घर पे नहीं गई थी, वॉचमैन से पूछा तो कहा दो लड़कों के साथ गई है, और ये कह रहा कुछ भी नहीं हुआ। अरे अंदर चलो ना। अरे क्या हुआ आपको बहन? जल्दी से पानी लेकर आओ। संभालो, परेशान क्यों हो रही है? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो भी क्या हुआ, अपनी बच्ची की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे बोला ना सबको, बोला। शांत हो जाओ भाई, आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं भूल जाऊंगा आप मेरे भाई हैं। सब अंदर जाओ, जाओ अंदर। जब तक मैं गायत्री को ढूंढकर नहीं लाता कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। जाओ दीदी, जाओ। परेशान मत हो,
ए, कल 30 नंबर वार्ड के काउंसलर को कहो कि मुझसे आकर मिले, ठीक है? साहब ने खाना खा लिया? नहीं खा रहे हैं। क्या हुआ, तूने अब तक खाना नहीं खाया? मैं तुझसे ही पूछ रही हूँ, खाना क्यों नहीं खाया अब तक? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना है। माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? तुम मेरी माँ हो क्या? तुम्हारे लिए मेयर पद और पैसा ही जरूरी है ना? मैं नहीं हूँ ना? मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अब अचानक प्यार क्यों जता रही हो? ऐसा मत बोल बेटा, तुझे लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? ए मारी, मारी! सुन बेटा, इस प्रॉब्लम के बारे में तू भूल जा, तेरे मामा से कह दूंगी, वो सब संभाल लेगा, समझ गया ना? क्या हुआ दीदी? ए, जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया उस आदमी को रातों रात खत्म करवा दे। बस तुमने कह दिया ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मामा, मैं भी आता हूँ। क्या बात कर रहा है, तू इस हालत में कहाँ जाएगा? तेरा मामा जिंदा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। दीदी, हाँ? इंस्पेक्टर को बता देना। वो सब मैं देख लूंगी, तू जा। चल उठ जा, खाना खा ले। अब तू ऐसे क्यों खड़ी है जैसे पहाड़ टूट गया हो? मैं अपनी माँ और पांडे के बारे में सोच रही हूँ। क्या? वो मेरी माँ को माँ कहकर बुलाता था, कभी आंटी नहीं कहता था। मेरे नाना की भी इच्छा थी कि मेरी शादी पांडे से ही हो। ऐसे क्यों खड़ी हो, पूछा तो इतनी बड़ी कहानी बता रही है। तुम्हें हर वक्त मजाक क्यों सोचता है? पता नहीं मेरी माँ पर क्या बीत रही होगी। एक दो दिन दिक्कत होती है, फिर सब ठीक हो जाता है। कल का दिन अच्छा नहीं है। क्यों? कल तो तुम दोनों का जन्मदिन है। इसलिए तो बोल रहा हूँ अच्छा दिन नहीं है। हमारा जन्मदिन थोड़ी ना अच्छा दिन है। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, नींद आ रही, जाके सो जाऊँ क्या? ए, तू पहले रुक जा, तुझे यहाँ सुलाने के लिए मैं इसे शादी करके लाया हूँ। आज हमारी फर्स्ट नाइट है यार, तू निकल, चल 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 चल। यार तो मैं सोऊंगा कहाँ पर? अबे रोड पे जाके सो जा। अच्छा ठीक है, तू संभाल ले, हम सब समर के घर जाकर सोते हैं। चलो चलो यार, हम लोग सुबह आएंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, आराम से आना। जिसने अपने एरिया में मेरे भांजे पर हाथ लगाया उसे रातों रात खत्म करना है। अपने अपने हथियार लेकर जल्दी से पुल के पास आ जाओ। हेलो, क्या बोल रहा है तू? कभी क्या बोल रहा है तू? उसको उधर जाने के लिए किसने बोला? रो मत, पीछे करो, जल्दी जाओ।
गायत्री रुको। मामी भगवान कर पाला और तूने इस हाल में पहुंचा दिया मुझे। कौन है रे तेरा बाप? बाबा मुझे माँ को देखना है। बाबा मुझे माँ को देखना है। बाबा
इसके बाद इस दहलीज में कदम मत रखना। अपनी शक्ल भी इसे मत दिखाना, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जा यहाँ से, दूर चले जा मेरी नजरों से, जा, चले जा यहाँ से। मुझसे जो प्यार करता है वो मुझसे बिछड़ जाता है, और ये मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है। चल
अगर मैं मर गया ना तो तू मेरे बिना जी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुझे भी तुरंत मरना पड़ेगा। तू मुझसे बच नहीं पाएगा भाई।